नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे एयरसेल के यूपीएससी कोड के बारे में। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, ये जो एयरसेल है ये कुछ दिनों से नेटवर्क इसकी नहीं है और ये तकरीबन बंद होने जा रहा है और शायद अभी इंसॉल्वेंसी फाइल भी हो चुका है। इस पर एक मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए आप वेट करिए, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि आप जो एयरसेल बंद हो रहा है तो आप यूपीएससी कोड कैसे ले सकते हैं अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, यानी एयरसेल के ऊपर नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत सा इजी उपाय है मेरे पास जो है, मैंने एक थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे मिला एक नंबर, तो वो नंबर मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो नंबर है ये अपने दोस्तों और जिनको जरूरत है इस नंबर की, जिन्होंने अभी तक पोर्ट नहीं किया है, अगर उन्हें जरूरत है तो उनके पास ये शेयर कीजिएगा। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेयर ही कर दीजिए, बट आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। लाइक जैसे मुझे खुद की, मेरे पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले मेरा रिलायंस का नंबर जो बंद हो गया था, तो वहां पर रिलायंस वालों ने एक पोर्ट का नंबर, जो पोर्ट मैसेज था वो ऑटोमेटिक भेज दिया था, तो मुझे जाके मैंने पोर्ट कराया था। लेकिन इसमें भी बहुत असुविधा होती है जब पोर्ट कराने में, क्योंकि देखिए जैसे मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे रिलायंस ने एक पोर्ट का मैसेज आ गया था, तो मैं उसे लेके वोडाफोन में गया था। तो वोडाफोन में जब मैंने गया तो वहां पर उसने मुझे बोला कि 3 मंथ का पोस्टपेड का प्लान आपको लेना होगा इनिशियल डेज में, बाद में फिर आप आ जाओ प्रीपेड पे। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको जो ऑपरेटर अच्छा सुविधा दे रहा है वहां पर आप जाओ, और जो नंबर मैं बता रहा हूँ उसका यूज करके आप अपना आराम से यूपीएससी कोड पाके किसी भी ऑपरेटर के पास जाके यूज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको नंबर बताता हूँ। जी है तो नंबर लिख लीजिए, मैं यहाँ पर साइड में दे देता हूँ, 9841012345। ये जो नंबर है इस पे आप कॉल करिएगा। इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, जो भी वो आप सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको यूपीएससी कोड जनरेट करने के लिए अपने मोबाइल के 10 डिजिट का जो नंबर है वो डालना होगा। जब उसे आप डायल कर देंगे, उसको कंफर्म कर देंगे, तो रिटर्न में आपको एक कंफर्मेशन मैसेज बोलेगा कि जो आपने जो नंबर डायल किया है वो सही है, इसको एक बार वैलिडेट कर लीजिए। तो अगेन आपको वैलिडेट कर लेना है, वन प्रेस करके उसको वैलिडेट कर दीजिएगा। सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो सिम है उसमें एक नंबर होता है, 19 या 20 डिजिट का एक नंबर होता है, उस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट फिर से मांगेंगे आपसे। तो वो जो नंबर है उसे आप फिर से डालिए, फिर उसको वैलिडेट कीजिए, कंफर्म कीजिए। जब कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज यूपीएससी कोड का, यूपीएससी जो कोड होता है उसका जनरेट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। उसको लेके आप कोई भी ऑपरेटर के पास जाइए और अपना नंबर को एमएनपी करवा लीजिए। तो ये एक इजी सा उपाय है, जिसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो जो सब्सक्राइबर हैं वो प्रॉब्लम में हैं उनको काफ़ी हेल्प होगा। तो दोस्तों, नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9841012345। इस नंबर पे आप डायल कीजिएगा, आपको यूपीएससी कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। हाँ, और जरूर से वो जो नंबर मैंने बताया उसे आप अपने दोस्तों के पास दे दीजिएगा, जिनका एयरसेल का है उनको जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।